स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। देखो, जो ये टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में पूछा जाता है। इसके साथ साथ यूपीएससी मेन्स का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के की पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट क्लियर करूंगी। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस से कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस में क्या फर्क है। इसके साथ साथ मैं आपको पांच कंपोनेंट बताऊंगी जो इमोशनल इंटेलिजेंस के की पॉइंट्स हैं। देखो, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए हमें सिर्फ इंटेलिजेंट होना सफिशिएंट नहीं होता है, बल्कि हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना भी आना चाहिए। जितनी एफिशिएंटली, जितने बैलेंस्ड वे में हम अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं, उतना ही ज्यादा हम लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं। यूजुअली आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग एकेडमिकली तो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं करते। ना तो वो फैमिली में सेटल हो पाते हैं, ना ही वो वर्क प्लेस में सेटल हो पाते हैं, ना ही वो इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप कर पाते हैं सोसाइटी में। तो क्या ऐसा मेन रीजन है कि उन लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है, जबकि वो एकेडमिकली टैलेंटेड है, उनका इंटेलिजेंस लेवल हाई है। तो एक्सपर्ट का मानना क्या है कि इस तरह की प्रॉब्लम का मेन सोर्स होता है लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, वो अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। हो सकता है एक पर्सन का आईक्यू लेवल बहुत हाई हो, लेकिन अगर उसका ईक्यू लेवल लो है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये इमोशन होते क्या है। देखो, इमोशंस होते हैं हमारी फीलिंग्स। फीलिंग्स में क्या आते हैं? फीलिंग्स में आता है हमारा एंगर, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारी हैप्पीनेस, जॉय, जेलेसी, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सब होते हैं इमोशंस। ये जो इमोशन होते हैं, ये हर इंसान में होते हैं। जब इंसान पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये इमोशंस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखो, टू इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक, तो इस वजह से हर इंसान इन इमोशन को अलग अलग तरीके से डील करता है। तीन तरीके होते हैं इमोशन को डील करने के। सबसे पहला तरीका क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशन को कंसील कर लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। लेकिन जब आप अपने इमोशन को सप्रेस करते जा रहे हैं, उसे बॉटल अप करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो इमोशन एक अनहेल्दी वे से स्पिल आउट होते हैं, यानी वो बिल्कुल वोल्केनो की तरह से बर्स्ट होते हैं, और जो उनके रिजल्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग होते हैं। जैसे देखो, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा एंग्री है अपनी लाइफ में, लेकिन आप अपने एंगर को फेस नहीं कर रहे हैं, यानी आप अपने इमोशन को सप्रेस करते जा रहे हैं। धीरे धीरे जो आपका एंगर है, एक दिन वो ऐसे स्पिल आउट होगा कि आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाएंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप अनहैप्पी रहना शुरू कर देंगे, आप आइसोलेटेड हो जाएंगे, और इवन आपके अंदर क्रुएलिटी भी डेवलप हो जाती है। तो ये बहुत गलत तरीका है अपने इमोशन को हैंडल करने का। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशन को ओवर एग्जजरेट कर देते हैं, यानी इमोशन को जब वो हैंडल करते हैं तो बहुत ही इनएफिशिएंट वे में हैंडल करते हैं। जैसे वो अपने एंगर को इम्पल्सिव वे से हैंडल कर रहे हैं, वो जब कोई डिसीजन लेते हैं तो इम्पल्सिव वे में लेते हैं और बाद में वो रिग्रेट करते हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है,
जब हम एंग्री होते हैं, किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो हमें हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके जो रिजल्ट होते हैं ये डिवास्टिंग होते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है कि हम किस तरह से इमोशन को एक बैलेंस्ड वे में डील करते हैं, किस तरह से एफिशिएंटली एक स्टेबिलिटी के साथ हम इमोशन को हैंडल करते हैं। जैसे अगर हम कोई बहुत ज्यादा हैप्पी न्यूज सुनते हैं तो हम ओवर एक्साइटेड नहीं होते, इसी तरह से अगर कोई सैड न्यूज हम सुनते हैं तो हम डिप्रेशन में नहीं जाते, हम पैनिक नहीं होते, उस चीज से हम बहुत ज्यादा घबराते नहीं है। तो ये है सही तरीका इमोशन को हैंडल करने का। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो इमोशन को सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं, फिर वो उसे मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि हमारे इमोशन से किसी दूसरे को हर्ट तो नहीं हो रहा, हम अपने इमोशन से किसी की हेल्प कर रहे हैं या फिर हम किसी को हर्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, मीनिंग कैसे लिखेंगे आप इमोशनल इंटेलिजेंस का? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, मैनेज एंड अंडरस्टैंड वंस ओन इमोशन एंड अदर्स इमोशन। देखो, जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने इमोशन को तो अंडरस्टैंड करते ही करते हैं, इसके साथ साथ वो दूसरे के इमोशन को भी परसीव करते हैं, दूसरे के स्टेट ऑफ माइंड को भी वो अंडरस्टैंड करते हैं। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरे को परेशानी हो, दूसरे को प्रॉब्लम अराइज हो। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो मीनिंग है इसमें दो डायमेंशन है। पहला है अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन। सबसे पहले तो हमें अपने इमोशन को मॉनिटर करना आना चाहिए, उसे रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, डिटेक्ट करना आना चाहिए। हर इंसान में तरह तरह के इमोशंस होते हैं, जैसे कभी हम खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं। तो क्या रीजन है, किस वजह से ये सारे इमोशन एग्जिस्ट हो रहे हैं, इन सब चीजों को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। सेकेंडली, हमें अपने इमोशन को मैनेज करना आना चाहिए, यानी हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। और इमोशन को हम अंडरस्टैंड भी कर सकें कि अगर हम नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं, अगर हम खुश हैं तो क्यों खुश हैं। अब देखो, ये बात हुई अपने खुद के इमोशन के बारे में, लेकिन जब हम दूसरे के इमोशन को अंडरस्टैंड करते हैं तो दूसरे के पर्सपेक्टिव से हमें सोचना पड़ता है, यानी दूसरे के स्टेट ऑफ माइंड को हमें परसीव करना होता है, उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके जब हम सोचते हैं तो हम कहे जाते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट। तो समझ आया, इमोशनली इंटेलिजेंट कौन होता है? ऐसा इंसान जो अपने खुद के इमोशन को रिकॉग्नाइज करता है, मैनेज करता है, अंडरस्टैंड करता है, इसके साथ साथ दूसरे के इमोशन को भी वो अंडरस्टैंड करता है, वो होता है इमोशनली इंटेलिजेंट। अब देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस को आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ईक्यू। ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल कोशियंट। इन द सेम वे एज इंटेलिजेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आईक्यू। देखो, हम इमोशनल इंटेलिजेंस को ईक्यू के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसी तरीके से जैसे हम इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ आईक्यू। यहाँ पर क्यू का मतलब होता है कोशियंट। तो ये भी वन मार्कर में पूछा जा सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ ईक्यू और ईआई के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, ईक्यू और आईक्यू दोनों ही इम्पोर्टेंट है सक्सेस अचीव करने के लिए,
लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पर्सन को इमोशनली इंटेलिजेंट होना इम्पोर्टेंट है। एक पर्सन है जिसका आईक्यू लेवल तो बहुत हाई है, यानी उसका जो इंटेलिजेंस कोशियंट है वो अबव एवरेज है, लेकिन फिर भी वो लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाता, तो यहाँ पर मेन रीजन यही होता है कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस में लैक करता है। तो क्या क्या पॉइंट्स है डिस्टिंक्शन के वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, इंटेलेक्चुअल मल्टीप्लायर मेक्स अ पर्सन गुड इन एग्जाम व्हाइल ईक्यू मेक्स अ पर्सन गुड इन लाइफ्स एग्जाम एज दे अडेप्ट एज पर सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके गुड स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन लाइफ के एग्जाम में सक्सेस अचीव करने के लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइफ में एज पर सर्कमस्टेंसेस अडेप्ट करना होता है, यानी अपने आप को चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है एज पर सिचुएशन। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज आईक्यू लेवल इज यूजुअली फिक्स्ड बट ईक्यू कैन बी इम्प्रूव्ड विद एफर्ट्स एंड मेथड्स। देखो यूजुअली क्या होता है कि हमारा जो आईक्यू लेवल होता है, यानी हमारा जो इंटेलिजेंस होता है, वो फिक्स होता है। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, यानी वो अबव एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, और कुछ लोगों का इंटेलिजेंस बिलो एवरेज होता है। यूजुअली हम इसे फिक्स मानते हैं, लेकिन जो ईक्यू है इसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं विद एफर्ट्स एंड मेथड्स। एफर्ट्स एंड मेथड्स का मतलब क्या हुआ कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप अपने बिहेवियर में चेंज करके, अपने एटीट्यूड में चेंज करके, अपनी पर्सनालिटी में चेंज करके अपने ईक्यू लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज अ पर्सन विद गुड आईक्यू मे बी एबल टू अचीव गुड सक्सेस बट ईक्यू इज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव ग्रोथ। देखो अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, परसिस्टेंसी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट है, आपने बहुत अच्छा सक्सेस अचीव किया है, बहुत अच्छी नौकरी आपने ले ली। लेकिन ग्रोथ अचीव करने के लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना होगा, क्योंकि जब आप प्रमोशन चाहते हैं तो वहां पर पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी अनड्यू स्टेप आप नहीं ले सकते इन एक्सेस ऑफ एंगर और प्लेजर। तो समझ आया किस तरह से जो पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा पेशेंस रख के चलते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते हैं। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट इज 20% ऑफ सक्सेस इन लाइफ कम्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल मल्टीप्लायर एंड 80% ऑफ सक्सेस इन लाइफ कम्स फ्रॉम इमोशनल कोशियंट। देखो एक्सपर्ट्स का मानना क्या है कि हमारे लाइफ में जो भी सक्सेस हम अचीव करते हैं उसका 20% इंटेलेक्चुअल मल्टीप्लायर की वजह से अचीव करते हैं और 80% हम अचीव करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से। तो समझ में आया आपको ये चार पॉइंट है जो इमोशनल इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस से डिफरेंशिएट करता है। क्लियर। अब मैं आपको बता रही हूँ कॉम्पोनेंट्स ऑफ ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या की स्किल है, क्या कॉम्पोनेंट्स है, क्या डायमेंशन है। देखो यूजुअली 5 डायमेंशन मानी जाती है, वैसे तो और भी डायमेंशन है, लेकिन जो ये 5 डायमेंशन है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। पहली आती है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरी है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरी है मोटिवेशन, चौथी है एम्पथी और 5वीं है सोशल स्किल। सबसे पहले हम लेते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन, योर फीलिंग, योर बिहेवियर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस में सेल्फ का मतलब क्या होता है कि हमें अपने बारे में
अवेयरनेस होती है जानकारी, यानी हमें अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या आता है कि जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अपने खुद के इमोशंस को, अपनी खुद की फीलिंग्स को, अपने खुद के बिहेवियर को। उन्हें पता होता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, यानी क्या उनके गुड पॉइंट्स है, कहाँ पर वो अच्छे हैं और कहाँ वो लैक कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्हें ये भी पता होता है कि उनके मूड से, उनके एक्शन से, उनके बिहेवियर से दूसरे पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, क्या दूसरा पर्सन हर्ट हो रहा है उनके बिहेवियर से, या फिर उनके बिहेवियर से, उनकी फीलिंग से किसी की हेल्प हो रही है। इसके बारे में भी वो फुली अवेयर होते हैं। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो दूसरों से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्वायर करने में विलिंग होते हैं, नए से नए एक्सपीरियंसेस वो गेन करते हैं, दूसरों के साथ वो इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सेल्फ के बारे में पता है, वो फुली कॉन्फिडेंट है, उन्हें पता है कि कहाँ उनकी कमजोरी है और कहाँ उनकी स्ट्रेंथ है। जो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के बारे में, वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, वो ये भी परसीव करते हैं कि दूसरे लोगों का उनके लिए क्या परसेप्शन है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे उन्हें परसीव करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ रेगुलेशन। इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इम्पल्सेस, एबिलिटी टू थिंक बिफोर यू स्पीक और यू रिएक्ट। देखो, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है टू कंट्रोल वंस इम्पल्सेस। इम्पल्सेस का मतलब क्या हुआ कि वो कभी भी कोई डिसीजन आवेग में नहीं लेते, वो कभी भी इम्पेशेंट होकर कोई डिसीजन नहीं लेते, हमेशा थॉटफुलनेस के साथ वो कोई डिसीजन लेते हैं, यानी पहले वो सोचते हैं उसके बाद ही वो कोई डिसीजन लेते हैं। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है या अपसेटिंग है तो वो काम डाउन रहते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट नहीं होते, बहुत ज्यादा एंग्री नहीं होते, फ्रस्ट्रेट नहीं होते, वो बहुत बैलेंस्ड वे में, एक हेल्दी वे में मैनेज करते हैं अपने एंगर को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को और अपने एक्साइटमेंट को। कभी भी वो अपसेट नहीं होते किसी भी सिचुएशन को लेकर के, वो पैनिक नहीं होते, हर सिचुएशन में वो पोलाइट रहते हैं, बहुत साइलेंटली, बहुत थिंकिंग के बाद ही वो कोई डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर उन्हें रेगुलेट करना आता है, कंट्रोल करना आता है, मैनेज करना आता है अपने इमोशन को। उनके अंदर एबिलिटी होती है टू थिंक बिफोर स्पीक एंड रिएक्ट। देखो, जब ये किसी से कोई बात कहते हैं तो पहली बात तो क्या होती है कि ये कोई गलत बात कहते नहीं है, क्योंकि ये बहुत सोच विचार करके बोलते हैं। इनके जो रिएक्शन होते हैं, जो इनके रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा वैलिड होते हैं, क्योंकि ये बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं, ये कभी भी वेगली रिस्पॉन्ड नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द एबिलिटी टू गेट मोटिवेटेड इंट्रिंसिकली विदाउट एनी एक्सटर्नल ड्राइवर्स लाइक फेम, मनी और प्रमोशन। देखो, मोटिवेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। दो तरह के मोटिवेशन होता है, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, यानी वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होता है, वो डिटरमाइंड होते हैं, फर्म होते हैं, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए फुली फोकस्ड होते हैं, परसिस्टेंसी के साथ वो वर्क करते हैं, कभी भी वो एक्सटर्नल फोर्सेस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसे फेम है, मनी है, प्रमोशन है, इस तरह के जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, इन्हें लेकर वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इन लोगों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता है,
ये कंसिस्टेंसी से वर्क करते हैं, अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हुए लाइफ में जो भी फेलियर और रिजेक्शन आते हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हुए अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज एम्पथी। एम्पथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स आर फीलिंग, पुटिंग योरसेल्फ इन अनदर पर्सन शूज, मींस लुकिंग द वर्ल्ड फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। देखो, एम्पथी और सिंपथी ये दो अलग अलग टर्म है। सिंपथी का मतलब क्या होता है कि एक सहानुभूति दिखाना, यानी जो पर्सन पेन में है और आप उस पर्सन को देखकर सिर्फ दो वर्ड बोल के चले जाते हैं कि ओहो आपको परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, ये तो बहुत गलत हुआ, आपको इस तरह की प्रॉब्लम हुई, ये सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ, इतना आपने कहा और वहां से चले गए, तो ये आप हुए सिंपथेटिक। लेकिन अगर आप एम्पैथेटिक हैं तो यहाँ पर आप अपने आप को उस पर्सन की सिचुएशन में रखेंगे और फिर आप सोचेंगे कि अगर मेरे साथ ये परेशानी हुई होती तो मुझे कैसा फील होता। यहाँ पर आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को कंसीडर करते हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो सिंपथेटिक नहीं, वो एम्पैथेटिक होते हैं। वो एम्पथी शो करते हैं, यानी अपने आप को वो दूसरे की सिचुएशन में रखते हैं और फिर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हैं ताकि वो अच्छे से उनकी हेल्प कर सके। तो एम्पथी में यही होता है कि दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स आर फीलिंग, कि दूसरे लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको किस तरह की परेशानी हो रही है। पुटिंग योरसेल्फ इन अनदर पर्सन शूज, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने आप को उनके सिचुएशन में रख लेते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके आउटलुक से आप सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो आप बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर। एंड लास्ट कंपोनेंट इज सोशल स्किल, एबिलिटी टू बिल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सॉल्विंग देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनके अंदर सोशल स्किल्स होती हैं, यानी वो इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत जल्दी डेवलप करते हैं, क्योंकि जब भी वो बात करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे कोई हर्ट हो। दूसरा, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। तीसरा, उनका जो एटीट्यूड होता है वो फ्रेंडली होता है, उनका नेचर कोऑपरेटिव होता है, उनकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट होती है, वो बहुत एमिएबल पर्सनालिटी के होते हैं, हर तरह की सिचुएशन को सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, जो भी कंफ्लिक्ट होता है उसे एक रीजनिंग के साथ एक प्रॉपर एनालिटिकल वे से रिजोल्व करते हैं। क्लियर। तो होपफुली ये 5 कंपोनेंट इमोशनल इंटेलिजेंस के आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको प्रॉब्लम अराइज हो रही हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।